ओम शांति। परमपिता परमात्मा जब आए इस सृष्टि पर, तो उन्होंने अपने बिछड़े हुए बच्चों को, जो कल पहले बिछड़े थे, सबको चुन चुन करके ढूंढ लिया। और ढूंढ ही नहीं लिया, बहुत सुंदर फूलों का एक गुलदस्ता बनाया, एक सुंदर सा ईश्वरी परिवार बनाया। और ईश्वरी परिवार में माता पिता बंधु सखा शिक्षक सतगुरु सब रिश्तों की आवश्यकता होती है। तो वो निराकार शिव बाबा ने सारे रिश्ते साकार के द्वारा निभाए। और इन रिश्तों को निभाने से ही पता चलता है कि ये कोई साधारण संत पुरुष नहीं है, कोई महात्मा नहीं है, कोई ज्ञानी सन्यासी नहीं है, स्वयं परमपिता परमात्मा ही है जो सर्वशक्तिवान है। तो आत्माओं को आकर के शक्ति से अपनी ओर आकर्षित करके, अपने गुणों से, कर्तव्यों से, पालना से, तो सबसे पहले परमात्मा की महिमा में कहा, तुम ही हो माता च पिता बंधु सखा। परमात्मा जब धरा पर आते हैं तो माँ के रूप से ब्रह्मा मुख वंशावली बना करके पालना करते हैं। ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, तो जो एक माँ का फर्ज होता है, माँ की पालना होती है, वो परमात्मा ने किया। माँ सबसे पहले बच्चों को जन्म दे करके, पालना करके, हर कार्य करना सिखाती है। तो जो मेरा अनुभव है कि साकार में जब मेरा पहली मुलाकात हुई बाबा से, पहला मिलन हुआ, तो बाबा ने हमारे से सारा पूछा। पूछने के बाद पहले भी मैं बता दिया है कि बाबा ने कहा, बच्ची तुम इतना दूरी आई पैदल चल करके, तुमको थकावट नहीं हुई बाबा से मिलने के लिए? और बाबा ने ही वतन से निमंत्रण दिया था कि मिलने आ जाओ। बाबा ने कैसे मेरे पैर दबाए, एक माँ ही है जो अपने बच्चों के पांव को दबाती है। बाबा ने मुझे चलना सिखाया, कैसे चला जाता है और कैसे फरिश्तों की चाल में चलना होता है। जैसे एक बार बहुत जल्दी जल्दी मैं जा रही थी, तो बाबा ने बुलाया, कहा, बच्ची इधर आओ, ये ऐसे फटफट करके चलना ये देवताओं के लक्षण नहीं है, फरिश्तों के नहीं है। ये समय बाबा तुमको फरिश्ता बनाने आया है, तो फरिश्ते के चाल में कैसे चलना है, परिवार का रूप कैसे है। बाबा ने मुझे भेजा, जाओ दिलवाड़ा देख करके आओ, सब कुछ घूम के आओ, मंदिर देख के आओ। आने के बाद बाबा को बताना, और मैं सब कुछ देख करके आई और बाबा को कुछ भी नहीं बताया। बाबा ने मुझे शाम को बुलाया, बच्ची तुम गई तो क्या देखा? मैंने सब बताया, तो बाबा ने कहा, देखो ये परिवार है, बड़ों को सब कुछ बताना चाहिए, क्योंकि भेजा बाबा ने देखने के लिए, तो आ करके बताओ कि क्या क्या हम देख करके आए। ये परिवार में एक रिस्पेक्ट होता है बताना बड़ों को। अच्छा बच्ची तुम क्या ले करके आई? तो चेरी लाए थे जंगलों से, पहाड़ों से। बाबा ने कहा, बच्ची लाओ चेरी कहाँ है? मैंने बोला, बाबा चेरी तो हम सब ने मिल बांट के खा लिया। बाबा बोले, बच्ची देखो, बाप तुम बच्चों के आगे अपनी सारी प्रॉपर्टी खोल के रख दी, स्वर्ग की बादशाही ओपन कर दी कि मैं तुमको क्या दूंगा। और बच्चे थोड़ा सा चेरी भी ले आए दोना पत्तल में, तो वो भी बाप को नहीं दिखाया। तो बच्चों का फर्ज है बाबा को दिखाना। तो हमने जो खा लिया था, तो मुझे बहुत पछताताप लगा कि बात तो सच है कि मुझे बाबा को पहले दिखाना था। बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये बड़ों को बताना चाहिए, बड़ों को दिखाना चाहिए। तो ये माता है पिता है, तो इनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। आज्ञाकारी बने, बाबा ने भेजा, गए
लेकिन आने के बाद पूरा समाचार सुनाओ। तो उस दिन से मुझे लगा कि मेरे माता पिता हैं और माता पिता को हर बात मुझे बतानी है, कोई भी बात छिपानी नहीं है, और हर बात बता करके ही बाबा को अपने आप को खुले दिल से रखना है। तो इसी प्रकार से बाबा की कई बातें, बाबा के पालना की बातें, हमेशा जहाँ पर वर्तमान समय बाबा का शांति स्तंभ बना हुआ है, तो बाबा सवेरे क्लास के बाद छोटे छोटे फुलके बनवाते थे, छोटे पानी के बतासे जैसे, भोली दादी से मक्खन निकलवाते थे, मिश्री लेते थे। क्लास के बाद सब बच्चों को आओ बच्चे, तो माखन मिश्री सबके मुख में वो खिलाते थे बाबा। इतना प्यार कौन करेगा, माँ ही करती है, माँ जितना करती, अपने हाथों से बच्चों को चुग्गा खिलाना। अगर बाबा भोजन भी कर रहे हैं तो बुला के गिट्टी खिलाना, अपनी थाली से, जैसे छोड़ माँ अपने बच्चे को थाली से गस्सा खिलाती है, तो बाबा भी खिलाते थे। तो वो बाबा का जो प्यार है, जो प्यार का सागर है, उसने अपने प्यार को इजहार किया। बाबा कहते थे बच्चे चलते फिरते उठते बैठते याद रखना है, अगर पानी भी पीते हो तो बाबा को दृष्टि दे करके जल को शुद्ध करके पियो। यदि किसी को भोजन की थाली देते हो उसको याद दिलाओ शिव बाबा याद है, शिव बाबा की याद में भोजन को स्वीकार करना है, बाबा को याद करके भोजन स्वीकार करना है। इसी तरह हर कार्य में बाबा कहते पहले बाबा को याद करो। उस समय मधुबन में ऐसा कोई डाइनिंग टेबल नहीं था, इतना सुंदर किचन नहीं था, जहाँ अपना टेलीफोन एक्सचेंज है, टोली का है, पांडव भवन में वहाँ ही किचन था, टीन पत्रे का बना हुआ था, लकड़ के चूल्हे पे खाना बनता था, लेकिन जो खाने का साधन था बैठने का, तो एक पत्थर की पट्टी लंबी दो पिलर देके और एक उसके पीछे, तो आगे वाली थोड़ी ऊंची पीछे वाली थोड़ी नीची, और वो पट्टी भी कोई रगड़ाई घिसाई चिकनी नहीं होती थी, ऐसे जैसे मोटा मोटा पत्थर होता लगा दिया गया। तो बाबा जब निकलते थे तो हमेशा याद दिलाते थे बच्चे नशा चढ़ता है, आज हम पत्थरों की बेंच पर भोजन कर रहे हैं और कल ये हमारे पत्थर हीरे के टेबल बन जाएंगे, ये हीरे की बेंच बन जाएगी, डाइनिंग टेबल भी हीरे का होगा। उन दिनों में पीतल की थालियां आती थी, जिन थालियों में, कांसे की थालियों में भोजन करते थे, राख से सभी उसको अच्छे से मांझ के अपने अपने बर्तन चमका देते थे, और कई लोग तो गीत भी गाते थे, किसी ने अपना बना के मुझको बर्तन मांजना सिखा दिया। खूब अच्छे से कंपटीशन होती थी राख लेकर के, कि इतना सुंदर हम अपनी थाली को साफ करें तो उसमें मुंह दिखाई दे जाए। तो बाबा कहते थे बच्चे यही तुम्हारी थालियां, आज जो पीले रंग की है कल ये बर्तन तुम्हारे गोल्डन हो जाएंगे, तो तुम हीरे के टेबल पर बैठेंगे भोजन करेंगे और इन पीले गोल्डन के बर्तनों में भोजन करेंगे, गोल्डन एज बनना है। तो बात बात में बाबा बहुत नशा चढ़ाते थे और बाबा कहते थे बच्चे हर कर्म करते हुए मुझे याद करो, निराकारी भी बनो निरहंकारी भी बनो। तो मैंने देखा बाबा निराकारी कैसे और निरअहंकारी कैसे। जब बाबा क्लास कराते थे, मुरली चलाते थे, मुरली के बाद में क्लास से उठ करके याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग करते थे, तो बाबा उल्टा चलते थे पीछे की तरफ, कभी मुख को मोड़ करके नहीं निकले। कहते देखिए ये सभा में मेरे होवनहार देवताएं बैठे हैं, ये भविष्य के होने वाले देवता हैं, ये सतयुगी महाराजे महारानियां हैं,
हम इनको पीठ नहीं दे सकते हैं। तो निरंकारी बाबा बच्चों को इतना रिगार्ड देते थे कि वो पीछे मुड़ करके नहीं बैक होके चलते थे। तो बाबा बच्चों को बहुत बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। इतना ऊंचा बाप निरहंकारी बन करके कैसे करते थे। और बच्चों की हर सेवा के लिए बाबा तत्पर रहते थे। कुछ भी हो जाए बाबा बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। जब मकान बना बाबा के साथ में थी तो उसमें जो ट्रेनिंग सेंटर है नीचे नीचे का पोर्शन तैयार हुआ था। कमरों में पट पे सभी सोते थे जो भाई बहन आते थे। तो एक दीवार की तरफ एक का सिर होता था, दूसरी दीवार की तरफ दूसरे का सिर होता था। दोनों के पांव सामने होते थे, बीच में एक पट्टी चलने के लिए होती थी और सबके सिर के पीछे अपनी अपनी पेटियां होती थी। तीन तीन फीट जगह सबको सोने के लिए धरती पर मिलता था। अपनी दरी के ऊपर चादर डाल लीजिए, उतने में सोना है, दूसरा दूसरे का बेड है, तीसरे का बेड है। लेकिन बाबा शुद्धिकरण का बहुत ख्याल रखते थे। तो रात को एक पैन में आग ले करके उसमें हवन करने की सामग्री डालते हुए ले जाते थे। तो बाबा मुझे हाथ में देते थे, मेरे साथ चलते थे। कहते थे चलिए सभी जहां सोए हुए हैं वहां चल करके वायुमंडल को शुद्ध कर दें, पवित्र कर दें। तो हवन करते थे बाबा, कमरे में घुमाते थे। तो उस समय बाबा दिखाते थे, देखो बच्चे बच्चों की अवस्था क्या है, किन किन अवस्थाओं में सोए हुए हैं, ये तमोगुणी नींद में कौन सोया है, रजोगुणी नींद में कौन सोया है और सतोगुणी नींद में कौन सोया है। तो बाबा मेरे से पूछते थे तो मेरे पास कोई उत्तर नहीं होता था। फिर बाबा बताते थे, बाबा कहते थे देखो ये जिनको है हाथ पांव इधर उधर फैले हैं, व्यवस्थित नहीं है, ये तो समझो तमोगुणी नींद में है। मछली की तरह अपने बिस्तर पे तैर रहे हैं, इनका गर्दन कहीं है, सिर कहीं है, हाथ कहीं, पैर कहीं, तो सो तो रहे हैं परंतु इनकी नींद में तामस है, तमोगुणी है। और जो थोड़ा टेढ़े मेढ़े सोए होते थे ऊंचा नीचा, बाबा कहते थे ये रजोगुणी नींद में है। और जो बिल्कुल योग योग बहुत ही सुंदर योगी चेहरा, भोलापन चेहरा, चेहरे पे एक औरा होता था, बड़ी शालीनता से सोए हुए, बाबा कहते थे ये सतोगुणी नींद में सोए हुए हैं। इससे हरेक के मनसा में क्या चलता है वो सोने के तरीके से पता चलता है, नींद करने के तरीके से। तो बाबा की याद में बैठ करके जो नींद करेगा तो निश्चित है उन्हीं संकल्पों में ही सोएगा। रात को अशरीरी बन के जब गीत भी बजता था कि सोजा राजकुमारी सोजा राजकुमारी, लेकिन उस गीत के सुनने के टाइम अवस्था सबकी कैसी है, तो जैसी अवस्था होती थी वैसे नींद में उनका स्वरूप भी होता था। फिर बाबा सबके चरण दिखाते थे कि देखो सबके चरण कैसे हैं, चरण से मतलब तलवे से था, किसके ज्यादा गंदे हैं, किसके कम गंदे हैं और किसके बहुत साफ सुथरे हैं। तो जो योग युक्त योग निद्रा में है उनके ही चरण साफ सुथरे होते थे। बाबा कहते देखो बच्ची चरण की कितनी महिमा है। कहते आप मेरे घर में पधारें, आप अपने चरण घुमाएं, मेरा घर शुद्ध करें। और चरण की तो महिमा की चरण धो धो के गुरुओं के लोग पीते हैं अमृत करके, बहुत चरण की महिमा है। तो यहाँ जिन बच्चों के चरण इतने गंदे हैं वो संस्कारों से संबंधित हैं, समझो उनके संस्कार अभी इतने शुद्ध नहीं हुए हैं। और जिनके कम हैं उनके बीच वाले संस्कार हैं। और जिनके पैर बहुत साफ सुथरे अच्छे से हैं तो बाबा कहते थे इनके संस्कारों में शुद्धता है,
इसलिए चरण से लेकर के संस्कार का बहुत संबंध है। तो बाबा ये भी एक छोटी छोटी बात सिखाते थे। बाबा को कभी भी कोई उदास चेहरा, पीला चेहरा, कमजोर चेहरा अच्छा नहीं लगता था। तो बाबा भोली दादी को कह करके शहद में बादाम छील के डलवाते थे और हरेक को बादाम खिलाते थे। कहते थे ये खाओ, और खा करके फिर बाबा लेक तक भी दौड़ा के ले जाते थे, चलो मेरे साथ सभी। तो बाबा को लगता था नहीं, योगी चेहरा हो, अच्छा हो, सूखे नहीं हो। कभी कभी बाबा चाशनी में भी बादाम डलवाते थे, केसर, गुलाब जल, बादाम वो बच्चों को खिलाते थे। तो ये जो पालना है ये कोई सन्यासी की नहीं है, ये महात्मा की नहीं है, ये गुरु की नहीं है। और जो भी कार्य करो, बाबा का यही कहना होता था कि उससे सीख लेते चलो। जैसे एक बार बाबा ने मुझे कहा कि कुटिया में बाबा के फूल लगे थे क्लास से पहले, तो कहा चलो फूल लेकर के, तो फूल तोड़ने चले, तो हमने फूल तोड़ तोड़ के डलिया में रखना शुरू किया। बाबा ने भी तोड़े, लाके संदली पे रख दिया। उसके पश्चात बाबा ने कहा कि ये बच्चे आओ, अपने अपने अवस्था के अनुसार फूल उठा लो। तो क्लास में कोई भाई बहन सामने नहीं आया। फिर बाबा ने कहा बच्चे फूल तो बहुत है, फूल तीन प्रकार के होते हैं। एक फूल होता है जो बहुत खूबसूरत होता है और खुशबूदार होता है, बहुत सारी विशेषताओं को लिए हुए होता है, उसको कहते हैं रूहे गुलाब। दूसरा फूल है जो सुंदर तो होता है, खुशबू नहीं होती है, जैसे लिली का फूल है। तीसरा फूल है कि केवल खुशबू है, सुंदरता नहीं है, जैसे बाबा ने बताया चंपा है, चमेली है, बेला है, रात की रानी है, इसमें खुशबू बहुत होगी, सुंदरता नहीं होगी। तो किसी में एक गुण है, किसी में दो गुण है, किसमें सुंदरता है तो खुशबू नहीं, और खुशबू है तो सुंदरता नहीं। लेकिन कुछ फूल और भी हैं जिनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो कांटों में रहते हुए बहुत सुंदर रूहे गुलाब बनना है, खुशबूदार भी बनना है, सुंदर भी बनना है, और बहुत सारे गुणों को लेकर के इस्तेमाल उसका होता है। दूसरा बाबा ने कहा कमल का फूल है, बच्चों को कीचड़ में रहते हुए भी कमल समान न्यारे और प्यारे बनना है, शुद्ध बनना है, जो बाहर की दुनिया का वातावरण का कोई असर ना आए, एकदम न्यारे बन जाना है। और तीसरा फूल बनना है सूरजमुखी का, जिसको सनफ्लावर कहते हैं। तो सनफ्लावर का फूल जो होता है, बाबा ने कहा सुबह से शाम तक वो हमेशा सूर्य की तरफ अपना मुखड़ा रखता है, उसका संसार सूर्य होता है और वो सूर्य ही उसका संसार है। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा शिव बाबा मनुष्य आत्माओं के, हर आत्माओं के बाबा अपने बच्चों के लिए कहते कि ये बच्चों का संसार है, इसी संसार में रहना है। तो कमल फूल भी बनना है, सूरजमुखी फूल भी बनना है, और निराकारी भी बनना है तो निराहंकारी भी बनना है। बाबा ने बहुत सारे अपने उदाहरण दिए निराहंकारी बनने के। बाबा हमेशा जाके सब्जी काटते, मसाला कूटते, बाबा और भी अनाज साफ करते, तो कितने निराहंकारी बाबा जिनको देख करके। और बाबा कहता निराकारी बनो, बाबा की याद में रहो, करो। तो जैसा कि बताया कि कुंज दादी ने जाके बोला बाबा VIP आपसे मिलना चाहता है। गादी ने कहा मैंने कोर्स कराया बाबा, आपका परिचय दिया। तो बाबा बोले बच्ची उसको यहीं ले आओ, यहीं पर लाओ। कहा बाबा मैंने आपकी बहुत महिमा की है, भागीरथी है, तपस्वी है, ब्रह्मा है। कहा नहीं यहीं ले आओ,
भाग्य विधाता है, कहेंगे इनका यही बाबा मसाला कूट रहा है क्या? बाबा बोले नहीं बच्ची, उसको यहीं लाना है। जब वो VIP को लेके कुंज दादी गई तो वो बाबा के चरणों में अपना सिर रख दिया, दंडवत हो गया। उसको साक्षात्कार हो रहा है कि बाबा तो छोटा मिशनू है और बाबा ओखली के पास है। जैसे दिखाते ना यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को ओखली से बांधा था, तो उनको वो नहीं दिखाई दे रहा कि इमाम दस्ता लेके मसाला कूट रहा है बाबा। इस तरह बाबा कैसे सिखाता था कि जो कर्म करें बाबा की स्मृति में निराकारी स्थिति में करें और निर्विकारी स्थिति में करें, तो निरहंकारी बन करके करें, बाबा कैसे सबकी पालना करते। और बड़ी बात तो ये है कि बाबा कहते थे बच्चे कभी बदला नहीं लेना है, बदल करके दिखाना है। हम ये स्लोगन तो लिख देते हैं। एक बार जो है कलकत्ते में एक अखबार निकलता था विश्वमित्र के नाम से, तो विश्वमित्र वाले ने बहुत गलत गलत बातें ब्रह्मा कुमारीज के नाम से छापा था। जगदीश भाई साहब ने कहा बाबा इसने तो बहुत गलत छापा है, इसका तो हमें जवाब देना चाहिए। बाबा बोले नहीं बच्चे, बाप बच्चों के ऊपर केस नहीं करता है, वो भी हमारे बच्चे हैं। कहा बाबा अगर नहीं करेंगे तो दुनिया वाले तो यही समझेंगे कि ये चुप बैठे हैं तभी तो राइट हैं, तो हमें काट तो करना है इसका। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, उसको बहुत प्यार से पत्र लिखो कि आपके अखबार का नाम है विश्वमित्र, आप हमारे हैं परम मित्र, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, आपने बहुत अच्छा बिना पैसे दिए बिना खर्चे हमारी तो बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट की है। फिर वो उसको लगा दिल में कि इतना कौन ऐसे जवाब देगा, उसने फिर माफी भी मांगी और उसका कार्ड उसने खुद लिखा। तो इसलिए बाबा कहते थे कि बच्चे कभी भी किसी से बदला नहीं लेना है, करके दिखाना है। ऐसे कलकत्ता में एक बार एग्जीबिशन लगी थी, गौओं की पूजा होती है गोपाष्टमी की, उसमें मैनेजर ने निमंत्रण दिया ब्रह्मा कुमारीज को। बाबा को बहुत था कि कलकत्ता गद्दी है, वहां सारे चित्र ट्रांस लाइट के होने चाहिए एग्जीबिशन में, जो स्टॉल मिलेगा गोपाष्टमी के मेले में। तो अपनी सब बड़ी दादियां गई हुई थी, जितनी महारथी दादियां थी, गंगे दादी, शांतामणि दादी, बड़ी दादी, कोई ऐसी दादियां नहीं थी जो वहां पे मेले में बाबा ने ना भेजा हो, सबको भेजा और सब चित्र ट्रांसलाइट के लगवाए। लेकिन उद्घाटन करने के लिए जो पुरी के शंकराचार्य जी आए थे, उन्होंने जब देखा कि ब्रह्मा कुमारियों को भी निमंत्रण दिया है और इनका भी इतना आलीशान स्टॉल लगा है, तो वो तो विरोध करते थे। विरोध के और कारण है, कभी सुनाएंगे क्यों विरोध किया, तो वो तो हमेशा कहेंगे कि ये नारियां इतनी आगे कैसे बढ़ी। तो उन्होंने कह दिया कि ब्रह्मा कुमारी का स्टॉल तुरंत हटवा दीजिए, मैनेजर ने निमंत्रण दिया है, प्रबंधक ने, वो धर्म संकट में आ गए कि मैं कैसे कहूं कि ब्रह्मा कुमारियां अपना स्टॉल हटा ले। लेकिन शंकराचार्य जी एकदम अड़ गए थे कि जब तक इनका स्टॉल नहीं हटेगा हम मंच पर से नीचे उतरेंगे, इसी मंच पे बैठे रहेंगे, नहीं उतरेंगे। इतना उनका कहना था कि वहां के जो नक्सलवादी लोग थे, उसमें नक्सलवाद का बहुत चल रहा था, उन्होंने उठाए डंडे और सारे पटपट पटपट करके पीट दिया, और पीटने के बाद सब ट्रांसलाइट 2 मिनट में सब खत्म हो गए। लेकिन अपनी दादियां बिल्कुल शांत मूरत, देवी की मूरत, धैर्यता की और ऐसे ही शक्ति स्वरूपा जैसे सबको दृष्टि का वाइब्रेशन दे रही हैं। कोई चेहरे पे शिकन नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तब उसके बाद में सारी मीडिया वालों ने ब्रह्मा कुमारीज की महिमा की और धर्म नेता जिन्होंने ये काम कराया उनकी निंदा की कि ये हमारे देश में सब धर्म वालों को हक है, एक धर्म वाला दूसरे धर्म वाले का नुकसान कराए, और जिसका नुकसान कराया उनको तो गुस्सा आया नहीं, तो सबसे महान कौन है। तो बहुत इसमें जैसे एक प्रकार से बहुत बड़ी सेवा समाई हुई थी
तो बाबा हमेशा कहते थे बच्चे कभी भी किसी के साथ हमको बदला नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, जब हापुड़ का हंगामा हुआ था तब भी बाबा ने भेजा कानपुर से एक इंजीनियर साहब को, संतराम भाई साहब को, गंगे दादी को, बहुत कुछ था। चाची जी दिल्ली से बाबा ने भेजा, वो भी पहुंची हुई थी। कहानियां बड़ी लंबी है विस्तार की। और कान अपने यूपी के मुख्यमंत्री को जाना पड़ा हापुड़ में, तो उन्होंने यही पूछा कि आपका लोग विरोध क्यों करते हैं। गंगे दादी ने कहा कि हमारे को लोग जो विरोध करते हैं वो दो बातें हैं, एक तो हम सत्य ज्ञान सुनाते हैं, और सत्य ज्ञान को सुनाने से हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, रियलिटी बताते हैं कि दूध में पानी कितना है, दूध में पानी कितना है। और दूसरा, बापू जी ने एक संकल्प लिया था, हम भारत को राम राज्य बनाएंगे। तो बापू जी ने तो भारत को स्वतंत्र कर दिया, लेकिन राम राज्य कौन बनाए? तो हमारा फर्ज है, वो हमारे राष्ट्र के पिता हैं, उनके संकल्पों को हम सब पूरा करें। तो जो बात को लेके जिस पैटर्न से उन्होंने भारत को स्वतंत्र किया, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्यता, वही पद चिन्हों पे हम चल रहे हैं। ना बापू जी ने किसको जोर दिया, उनके साथ काफिला बढ़ता गया, इसी तरह हम भी उन्हीं पद चिन्हों में चलेंगे, तभी तो राम राज्य होगा। तो हम भारत को राम राज्य बना रहे हैं, तो हम तो किसी को कुछ कहते नहीं। तो मुख्यमंत्री ने बहुत सुंदर स्टेटमेंट दिया और यही कहा कि ब्रह्मा कुमारीज की तो सरकार को, समाज को बहुत जरूरत है, और बाबा ने ऐसे तैयार किए हैं ब्रह्मा बाबा की महिमा की, बहनों की महिमा की, और कहा आप लोग जो धरना, पिकेटिंग, ये घमसान, ये सब खत्म करिए, इनको मदद करिए। तो कैसे बाबा कहते थे धैर्यता में, अंतर्मुखता में, शांति में, बहुत बड़ा बल है योग में। इस तरह बाबा कई जगह सिखाए, बहुत सारे उदाहरण है कि कुछ भी हो जाए तो बाबा को साथ ले करके चलना, बाबा के कदम पे कदम रख के चलना। और बाबा का भी देखिए मास कौन सा आया, जनवरी मास, संगम युग में भी एक जनवरी मास विशेष मास है। गीता का 18 अध्याय है, 18 अध्याय 18 जनवरी को पूरा होता है, इसलिए जनवरी मास 18 जनवरी। और दिन भी जिस दिन बाबा अव्यक्त हुए थे वो दिन शनिवार का दिन था, 18 जनवरी शनिवार 1969। और कुंभ मेला चल रहा था, मौनी अमावस्या का दिन था, तिथि और पर्व के हिसाब से कि सारी दुनिया के लोग, भक्त लोग, गंगा स्नान करने वाले, कुंभ मेला में जाने वाले सब मौन में डुबकी लगा रहे थे। तो मौनी अमावस्या कहते हैं, अमावस्या के बाद तो शुक्ल पक्ष आ जाता, नया पाठ लग जाता है। तो बाबा के अव्यक्त होने में भी बहुत बड़ा राज है कि 18 जनवरी 18 अध्याय पूरा हुआ, नष्टो मोआ स्मृति लब्धा, सबका शनि ले करके, शनि के बाद तो बहुत सुंदर बृहस्पति की दशा होती है, सबके शनि को बाबा समेट के गए सारे धरती से, हर आत्माओं से, और साथ साथ मौन व्रत सिखा के गए कि कैसे हमें मौन में रहना है, तपस्या करना सिखा के गए। माघ महीना वैसे भी तपस्या का मास होता है, संक्रांति का होता है, संस्कारों की क्रांति करने का होता है, तो ये मास भी अपने आप में कोई कम नहीं है। इसलिए बाबा ने जो मास लिया अव्यक्त होने का, वो भी संगम युग पे, पुरुषोत्तम युग में भी जनवरी मास का लिया, और ऐसे दिन पे लिया, तो वो भी बाबा ने सूक्ष्म में प्रत्यक्ष रूप में ये पाठ पढ़ा करके गए कि हमें तपस्या में रहना है, अव्यक्त स्थिति में रहना है, नष्टो मोहा बनना है, निराकारी निर्विकारी भी बनना है, मौन भी धारण करना है। तो ये बाबा ने अपने संपूर्णता के बनाने के लिए बच्चों को सूक्ष्म में सारे पाठ पढ़ा करके गए। ओम शांति।